वेलकम बैक। हम लोग ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन होता है, ब्रॉन्स्टेड बेस कौन होता है। इसका डेफिनेशन तो हम लोग को पता होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आइडेंटिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस होता क्या है? तो देखो, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड H प्लस डोनेट करना है, तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग H प्लस डोनर क्या हो जाएगा? H प्लस डोनर हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी बोलते हैं हम लोग, ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो साइंटिस्ट ने बोलते हैं, एक ब्रॉन्स्टेड थे एक लॉरी थे, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस बोला जाता है, बट ठीक है ब्रॉन्स्टेड ही बोलिएगा तो मीनिंग सीखना। तो एच प्लस डोनर एसिड हो जाएगा और एच प्लस एक्सेप्टर जो है वो बेस कहलाएगा। कौन सा बेस? ब्रॉन्स्टेड बेस। तो हम लोग को इसमें से पता करना है कि इनमें से कौन, किसने एच प्लस एक्सेप्ट किया और किसने एच प्लस डोनेट किया। तो फोकस आपको हाइड्रोजन प्लस पे रखना है, प्रोटॉन पे रखना है, OH माइनस के बारे में सोचना ही नहीं, ठीक है। तो सबसे आसान वाला पहले करते हैं, इन चारों में सबसे आसान ये वाला ऑप्शन है। यहां पर देखो क्या हुआ, इसको यहां पर देखा जाए तो ये फॉर्म में है और यहां पर ये फॉर्म में है। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म गया कैसे होगा? मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये चला गया, ये हाइड्रोजन गया है प्लस से, तभी तो ये माइनस हो गया। इसका यह हाइड्रोजन प्लस हटा लीजिए तो ये माइनस हो गया। तो मींस H प्लस ये डोनेट कर रहा है, तो ये हमारा एसिड हो गया। कौन सा एसिड? ब्रॉन्स्टेड एसिड। ये H माइनस में अभी है और इसको देखिए यहां पर H2 में पहुंच गया। तो H माइनस H2 में कब पहुंचेगा? जब ये हाइड्रोजन प्लस एक्सेप्ट करेगा तो H2 बन जाएगा। तो ये हमारा कौन हो गया? ये हो गया हमारा ब्रॉन्स्टेड बेस। क्यों? ये H प्लस एक्सेप्ट करके यहां आया, ये H प्लस लूज करके यहां पहुंचा, तो ये हो गया। नेक्स्ट इस ऑप्शन को देखते हैं। इस ऑप्शन में हुआ क्या है, ये दो लोग एक ही प्रोडक्ट बना रहे, तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट एक काम करते हैं, इस टू एच माइनस को यहां से टू हटा के ऐसे लिख देते हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ? ओ एच माइनस में। ये किसमें कन्वर्ट हुआ? ओ एच माइनस में। तो यहां से यहां देखिए, अगर इसको मैं देखता हूं, ये चीज मैं देखता हूं कि ये इसमें कन्वर्ट हुआ, सो इसने क्या किया है, इसमें आने के लिए हाइड्रोजन को लूज किया है, तो ये आपका H डोनर हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? एसिड कहलाएगा। ये H हटाएगा और इसमें कन्वर्ट होगा। इसने क्या किया? O2 माइनस था, ये इसमें बदला कैसे? एक H प्लस लिया है तो OH माइनस होगा। तो बेसिकली ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाएगा। अब बी देखिए, बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्योंकि वाटर भी है, OH माइनस भी है, बट अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इसमें पांच वाटर है एक OH, इसमें सिक्स वाटर है। तो हुआ क्या? तो ये देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता, Fe H2O whole 5 H2O लिख सकते नहीं? सिक्स वाटर को मैंने फाइव वाटर और एक और वाटर लिख दिया। अब इससे कंपेयर कीजिए तो क्या दिख रहा है? ये आयरन आयरन रहा, ये फाइव वाटर रहा, ये क्या हुआ? ये OH H2O में कन्वर्ट हुआ, ये OH H2O में कन्वर्ट हुआ। तो OH H2O में कन्वर्ट हुआ मतलब एक्चुअली OH माइनस था यहाँ पे। देखो यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे क्या है 3 प्लस है, तो मतलब इसने क्या किया है? H प्लस गेन किया। H प्लस गेन करने के बाद ये OH जो है वाटर में कन्वर्ट हुआ है और ये प्लस 3 हो जाएगा। तो ये बेसिकली H प्लस एक्सेप्ट करके वाटर में जा रहा है, तो ये क्या है? H प्लस एक्सेप्टर, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। यहां देखो, सिक्स वाटर है, फाइव वाटर और एक OH, तो मतलब फाइव वाटर से फाइव वाटर मेंटेन रहा। जो सिक्स वाटर था, जो लास्ट वाटर था, वो किस में चला गया? OH में चला गया, मतलब इसने H प्लस लूज किया, तो ये हो जाएगा एसिड।
सिंपल है। उसी तरीके से ये और ये एग्जैक्टली सिमिलर है। यहाँ पे तीन वाटर एक OH, यहाँ पे फोर वाटर, मतलब क्या आया इसके पास, इसके पास H प्लस आया है, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। इसने क्या किया, सिक्स वाटर था, फाइव वाटर एक OH, मतलब लास्ट वाटर ने हाइड्रोजन लूज किया है, तो सॉरी सॉरी गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे ये OH ने H लिया है ना, दिस OH एक्सेप्टेड एन H, तो ये बेस हो जाएगा, H प्लस एक्सेप्टर, ठीक है। सिक्स वाटर मॉलिक्यूल है, फाइव इसमें कन्वर्ट हुआ, लास्ट वाला वाटर जो है OH माइनस में कन्वर्ट हुआ, मतलब H प्लस लूज हुआ, तो दिस इज एसिड। सो ये हमारे रहे एसिड बेस।